अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो तो पांच। मेरा नाम दानिश हुसैन। मुल्क भर में बिजली का ब्रेक डाउन, हर चीज रुक चुकी है। माना कि सर्दियां हैं और पंखे तो नहीं चल रहे, एसी तो नहीं चल रहे, लेकिन जरूरियात जिंदगी की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बंद होने की वजह से कारोबारी जिंदगी मुंजमद होके रह गई है। छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार, जदीद दौर है, कंप्यूटराइज दौर है, हर चीजें, हर मशीन जो है बिजली से चलती हैं, वो सारी चीजें बंद है। अभी मैं वहां सामने से आ रहा हूँ, वो सामने अगर आप कैमरे में देख सकें तो एक बैंक है, उस बैंक की एटीएम मशीन जो है वो बंद हो चुकी है। और जज्वी तौर पर अब कई ऐसे लाहौर और दीगर शहरों की एटीएम मशीन जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। कुछ के पास अगर बैकअप है तो सुबह 7 से अब तक चल रहा है, लेकिन 3-4 घंटों में वो भी बंद हो जाएंगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है 27 घंटे तक जज्वी तौर पर यह ब्रेक डाउन रहेगा, ऐसा ऐसा इस चीज़ों को बहाल करेंगे। कुछ मार्केट के लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और ये भाईजान भी हमारे साथ ही हैं, और अंदर जाके देखते हैं कि क्या माहौल है। और ये दुकान तो सारी बंद है। कैमरामैन इमरान मुगल भी हमारे साथ हैं। अब ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, कंप्यूटराइज जितने भी बिल्ड है वो कंप्यूटराइज होते हैं, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? अब तो मैनुअल सूरत हाल पे सर आगे ये कागज वगैरह लेकर बैठे हुए हैं, क्या सूरत हाल है बिजली की? जी, लाइट तो की बंद है, तो परेशानी तो बात हो रही है। तो अभी कोई इतला नहीं कब लाइट आनी है, अभी तक हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक। चले, पंखे वगैरह तो जरूरत नहीं है सर्दी, लेकिन बाकी काम चल रहे हैं, कंप्यूटराइज काम बाकी? ऐसे बार लाइट से ही चलता है, वो तो बंद हो गया। अब लाइट आएगी तो बाकी काम चलेंगे। मसल के बिजनेस तो रुक चुकी है। आए बात चलते हैं। और यहाँ पर अब ये एक दुकान से आए थे, अब ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की दुकान है, देखते हैं यहाँ पर सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अस्सलाम वालेकुम, सिस्टम वगैरह तो आप बंद है फिर भी कंप्यूटर के सामने बैठे हैं? सर अब क्या करें, सुबह ऑफिस आए घर से, पहले तो रास्ते में मेट्रो ट्रेन बंद थी जिसकी वजह से आने में बड़ी मुश्किल हुई है। अब यहाँ पर आए तो सारा टोटल शट डाउन है और सिस्टम वगैरह बिल्कुल नहीं चल रहे। नादरा एपीआई भी डाउन है जिसकी वजह से कोई किसी किस्म की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाला और कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा, तो काफी परेशानी हो रही है कस्टमर। कोई किसी सिम वेरीफाई नहीं हो सकती, किसी को डुप्लीकेट सिम निकालना कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कस्टमर भी काफी ज्यादा परेशान हाल है इस वजह से, और काफी लोग आ रहे हैं जिनको काफी दूर से चलकर आते हैं और यहाँ पर काम उनका नहीं हो रहा। तो आप फिर बैठे क्यों हैं सर? अब हमें तो बैठना जारी बात है, हमारी ड्यूटी है, हमने सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर की कोई फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं और अपना टाइम पूरा करना। बिल्कुल, बैकअप भी खत्म हो गया? जी जारी बात है, बैकअप तो इतना ही होता है, 4-5 घंटे का बैकअप होता है हमारा। यूपीएस था यहाँ पर तो वो भी डेड हो चुका हुआ है। सुबह 7:30 बजे से लाइट नहीं है और अभी आप देख लें तकरीबन 2 बजने वाले हैं, तो जो बैकअप था वो भी खत्म हो चुका हुआ। ये देखें, ये डिवाइस इनकी बंद हो चुकी है। बंद हो चुकी है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी बैटरी खत्म? जी बिल्कुल सर, ये डिवाइस है इनकी, ये बंद हो चुकी है। मेरे कैमरामैन इमरान मुगल दिखाएंगे इनके सिस्टम, यहाँ आके इनके सिस्टम बंद है, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती इस वक्त, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर आपने सिम निकलवानी है या अगर खुदा न खासा आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और आप फौरन से पहले डुप्लीकेट सिम निकलवाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, खाने पीने का काम वैसे तो गैस पर होता है, लेकिन कई ऐसी खाने पीने की प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए बिजली बड़ी जरूरी है। एक पिज्जा की शॉप भी है मेरे साथ, तो यहाँ पर इसका जो ओवन वगैरह, इसके लिए बिजली की कनेक्टिविटी, बिलिंग के लिए, ऑर्डर बुकिंग के लिए, ये बड़ी जरूरी चीज है। तो इनसे जानते हैं, अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है, पता नहीं आपको हमारी लाइट, कोशिश तो कर रहे हैं कि हम आपको दिखाएं भाईजान क्या सूरत हाल है, सिस्टम वगैरह चल रहा है? नहीं सर, अभी तो कुछ सिस्टम वगैरह नहीं चल रहा, सारी लाइट बंद है, फ्रिज बंद है, हमारी दोनों फ्रिजे बंद है, तीसरी ये बाइट पड़ी हुई है ये भी बंद है, हर चीज आपके सामने ही बंद है। आप तो ये चिकन का और बाकी चीजों का बड़ा स्टॉक रखते हैं, वो तो खराब भी हो सकता है? जाहिर बात है, 27 घंटे लाइट नहीं आनी तो वो तो खराब हो जाएगा, हमारे लिए तो नुकसानदेह होगा ना, वो बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। तो ना ओवन चल रहा है, ना फ्रायर चल रहा है जिसके हम ऑर्डर ले, अभी हमने ऑर्डर भी नहीं ले रहे साथ साथ। अच्छा, ओवन तो गैस पे चल रहा है, उसके लिए बिजली की कनेक्शन लाजमी है? उसके लिए बिजली कनेक्शन लाजमी होना चाहिए, जरूरी गैस पे नहीं, उसका बिजली टेम्परेचर जो होता है ना वो असल दर लाइट पे चलता है। तो अभी यानी कि आपको ना मेकिंग हो रही है, जो आपके स्टोर चीजें हैं वो भी रुकी हुई है और ऑर्डर भी नहीं हो रहा? नहीं, ऑर्डर भी नहीं कोई हम ले रहे हैं, असल दर जो भी कस्टमर आता है उन्हें कहते हैं भाई लाइट नहीं है, तो वो कहते हैं क्या इशू है लाइट, आपको पता है आप अंदर आके देख। पिज्जा भी रुक गया? पिज्जा भी रुक गया, अब हर चीज बंद है अंदर। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे एक सरसरी साथ आपको दिखाते हैं एनवायरमेंट, तो ये आपका देखें, ये बिल्कुल सारा कुछ रुक चुका है। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि इनका किचन जो है वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है।
और सबसे जो दिलचस्प बात है, अच्छा ये बताएं, ये जो फूड पांडा और इस तरह की सर्विसेज है जी, वो चल रही है क्या? नहीं, फूड पांडा भी हमने बंद किया हुआ लाइट की वजह से। ये देखिए, ये हमारे पास फूड पांडा की ऐप है अच्छा, और ये बिल्कुल बंद है। अच्छा ये डिवाइस भी अब बंद हो गई है, ये बंद है डिवाइस, ये फूड भी बंद पांडा हो गया जनाब। तो इस तो वक्त लाइट नहीं है, तो लाइट की वजह से ये हर चीज हमने बंद की हुई है। फूड पांडा भी और हर रेस्टोरेंट भी हमने बंद किया हुआ है। रेस्टोरेंट बंद है जी। बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये बड़ी दिलचस्प बात है ना जी, क्योंकि अमूमी तौर पर तो ये कहते हैं कि खाने पीने का ताल्लुक तो गैस से है और इसलिए खाने पीने का काम चल रहा होगा, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात आपको लग रही होगी, लेकिन हकीकतन आज जो खाने पीने का ताल्लुक जो है वो भी बिजली से है। ये तमाम मशीनरीज जो है उनके जो फ्रीजर है, क्योंकि आपको पता है फास्ट फूड के जितने भी आइटम होते हैं उसमें जो मीट होता है, चिकन होता है, चीज होती है, सारी चीजें जो है वो स्टोर की जाती हैं और फ्रिज में रखी जाती हैं। अब 27 घंटे तक होता है, टेम्परेचर तो जाहिर है आजकल ठीक है, कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो फ्रोजन आइटम है उसको नुकसान हो सकता है। इनके फ्रिज के अलावा इनके जो ओवन है या इनके जो बाकी डिवाइसेज हैं वो भी नहीं चल रही, इस वजह से पिज्जा मेकिंग भी खत्म हो गई है। तीसरी चीज, फूड पांडा और इस तरह की जितनी ऑनलाइन सर्विसेज हैं फूड की वो भी चूंकि बंद है, जिस तरह से नादरा का सिस्टम बंद है ये भी बंद है, तो वो भी मामला जो है वो रुके हुए हैं।